हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉकी स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स कमल्स कॉर्नर। सो आज का हमारा एपिसोड नंबर है 3। सो आज मैंने सोचा कि 3 को लेके हम एक इंडियन के काफ़ी फेमस ट्रायर को बुलाया जाए। यस, XNTD के ट्रायर को मैं बुला रहा हूँ, जो कि है सिड एक्सकाली और सिमर। सो फन फैक्ट ये चीज़ है कि एक्सकाली को ऐसा लग रहा है कि एक्सकाली अकेला इन्वाइटेड है एपिसोड में, बट मैंने सिमर को ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली मैंने फ्लाई करवाया। सिमर को ऐसा लग रहा है कि सिमर और एक्सकाली ही एपिसोड में है, बट मैंने इन दोनों के लिए सरप्राइज रखा है क्योंकि सिड भी इनवाइटेड है। सो ये तीनों काफी टाइम बाद मिलने वाले हैं, बहुत सारी मस्ती मजाक होने वाले हैं, बहुत सारे इनके जो कांड क्राइम्स है सब बाहर आएंगे धीरे धीरे। सो लेट्स सी क्या होता है, चलिए देखते हैं। Hey guys, welcome back to Talk Esports Presents Kamal's Corner. So yes, mere saath is none other than BM King, Mr. Kali. Karan, welcome to my show. कैसा लग रहा है आके? अच्छा लग रहा है। मेरे पहले वाले एपिसोड देखे कि नहीं? सच बताना भाई की कसम। मैंने एक्चुअली ऐसा पूरा देखा नहीं है, बट थोड़े थोड़े ऐसा ग्लिम्स देखे मैंने कि क्या होता है कैसे। मेरे को लगा कि एटलीस्ट मेरे लिए एटलीस्ट झूठ तो भी बोलेगा कि हाँ कमल मैं तेरा एपिसोड देखा, पूरा तो भी देखा है। बोल रहा हूँ, मैंने ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं पूरा नहीं देखा, मैंने एकदम थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स देखे, ऐसा फनी मोमेंट जो जीशु का जो टॉक वाला था वो देखा मैंने। आज करेगा टॉक? करेगा नहीं मैं, पब्लिक डिमांड पे। नहीं नहीं नहीं, भाई की डिमांड? नहीं नहीं नहीं, टॉक करने में पब्लिक को प्रॉब्लम ही क्या होता है। चल ठीक है, कोई बात नहीं। एनीवेज, सो आई जस्ट वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द ऑडियंस, जो नहीं जानते, जो नए लोग हैं उनके लिए। एवरीवन नोज हु इज एक्सकाली, बट आई वांट एवरीवन टू नो हु इज करण मसवडकर। हे गाइस, माय नेम इज करण मसवडकर, आई गो बाय इन गेम निक एक्सकाली, एंड आई एम प्लेइंग फॉर वैलोरेंट फॉर टीम माई। बाकी का, बाकी पास्ट में क्या किया है, पास्ट में क्या क्या कीड़े किए वगैरह वगैरह वगैरह, इंट्रोडक्शन में छोटा बहुत। कीड़े बहुत किए बट स्टिल पूरा ऐसा बैकग्राउंड फुल गेमिंग का है। पहले CS:GO खेलता था NTT गेमिंग के लिए, उसके बाद जैसे CS:GO थोड़ा बंद होना स्टार्ट हो गया, मतलब साउथ ईस्ट एशिया रीजन से फेड होना स्टार्ट हो गया, तभी आई स्विच टू वैलोरेंट, और तब से वी जॉइंड माई, प्रीवियसली नोन एज टीम वेलोसिटी गेमिंग। नाइस यार, नाइस यार। टीम माई प्रीवियसली नोन एज वेलोसिटी गेमिंग, वेलोसिटी गेमिंग। बाय द वे, यू गाइस हैड ए वेरी नाइस अनडिफीटेड स्ट्रीक। सो स्ट्रीक की बातें मैं बाद में करूंगा, बाद में एकदम। बट to be very honest, you guys made India proud, like, you know, reaching on third position in PvP tournament international, which is a very great thing. I wish, and I guess to be wo wish karta ki shayad se wo LAN event, obviously hota. Yes, yes, pehle actually I think LAN hi hone wala tha wo, but ye COVID situation ki wajah se pura online kar diya wo log ne. Starting mein wo log ne bola tha ki there is a chance ki LAN Singapore mein hoga wo, but COVID ki wajah se online hi karna pada wo log ko bhi. Chalega. So anyways, apan kuch खा लेते हैं, मेरे शो पे आकर खाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। सो एक काम करते हैं ना, अरे छोटू को बुला, कुछ पीने के लिए भी है, एक कुछ पीने के लिए भी लेके। अरे काली, काली बोल रहा है यार, मेरे दिमाग ही नहीं चल रहा है। फफल रह गया मेरे को देख के। तू इतना स्मार्ट दिख रहा है कि मैं ऐसा लग रहा है तू 2 घंटे में पुणे से आया यहाँ पे, पता है क्या? इतना ब्लश क्यों कर रहा है तू? ब्लश थोड़ी कर रहा हूँ। सही है। सो अभी तू बूट कैंप पे जाने वाला है, बूट कैंप पे जाके तुम लोग ग्लोबल स्पोर्ट्स से हारे बैक टू बैक 2 टूर्नामेंट्स, तो उसके बाद में कैसा तुम लोग के टीम में दिमाग चल रहा था कि मतलब क्या चीज चेंजेस करने चाहिए या कुछ करने चाहिए कि नहीं, थोड़ा सा इनसाइडर बताना। ऑब्वियसली मतलब बूट कैंप पे 5 बजे अभी खेलते हो अलग फीलिंग रहता है, वो सिनर्जी अभी बन गया कि बूट कैंप से ही मतलब
कैसे समझा अभी, मतलब हार्ड टू एक्सप्लेन है बट स्टिल घर पे ऐसा मतलब थोड़ा फ्री हो रहे थे लोग, मतलब अपने जोन में सब लोग, कभी कभी चिल मार रहे हो लोग, थोड़ा वार्म अप नहीं कर रहे वैसा हो रहा था। उप्स सर, उप्स। हाय हाय सिमर चोद व्हाट्स अप बेटे, तू कैसे आया इधर उड़ के? इसको बुलाया नहीं, नहीं तू मेरे हाथ नहीं मिलाएगा, तू जाके बैठ जा उधर, तू जाके बैठ जा, तू मेरे को बुला, तू आ जा, वो आ जा, वो आ जा के बैठ जा, कैचअप तो ट्राई करो। नहीं 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 कैचअप का आइडिया बिल्कुल नहीं था। ये क्या है, ये क्या है पैसा इतना तुम्हारे पास? नहीं 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 रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, काली नहीं नहीं, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। नहीं 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 मैं क्या करूं, हेलो टिश्यू लेके साफ कर ले। एनीवेज सिमर वेलकम टू टॉक्स विद प्रेजेंट। थैंक यू कमल पाजी, थैंक यू पाजी, थैंक यू। तेरे को रीजन एक ही चीज है बुलाने का, क्योंकि पब्लिक डिमांड पे वी वांट सिमर, वी वांट एक्सकाली। कौन है पब्लिक, मेरे को चाहिए, किसने बोला? थैंक यू टू टॉक ईस्पोर्ट्स, किधर देखना है, उधर देखना है, इधर देखना है? सेंटर सेंटर देख। थैंक यू टू टॉक ईस्पोर्ट्स एंड कमल पाजी फॉर इनवाइटिंग मी। 200 रुपए हो गए, पेटीएम कर देना मुझे। तेरे को जो फाइव स्टार होटल खरीद के दिया ना उसमें तो कार्ड लेना तू, समझ रहा ना भाई की पूरा भी केचप का स्मेल आ रहा है पूरा। कोई ना, प्राइस लेकर रास्ते में ऐसा कर लियो, लिख लिख कर दे, लिख कर दे, वो तो तुम्हें बड़ा शौक है। सो एनीवेज कितने टाइम बाद मिल रहे तुम लोग बोले? कम से कम 3 महीने बाद, न्यू ईयर हमने साथ सेलिब्रेट किया था, न्यू ईयर साथ में सेलिब्रेट। तो एक गाइस एक चीज तुम लोग एक स्पेशल मेमोरी बताओ ना अपनी साथ की। अगर एक भी मेमोरी बाहर आ गई काली और मेरी, ये बड़ी बात ना हो कि टॉक स्पोर्ट खुद एक आर्टिकल डाल रहे हैं हमारे पे, बाकी मीडिया हाउस हमारे पे आर्टिकल डाल रहे हैं और हम दोनों का बैलेट बंद हो रहा है, तो हम बता नहीं सकते। ये कट कर देंगे हम लोग, बता दे मैं कट कर देगा, डिपेंड्स कट कर ले तो मैं कट कर दूंगा। बहुत रहना चाहे भाई तूने, मैंने कौन सा तेरा मार खाने वाला चार साल एक साथ बीते, हम मारने गए थे, नहीं वो वायलेंस पे आ रहा नहीं, था नहीं वो भाई बहुत मेमोरी था यार, दारू वारू पी के बजे हम मतलब नॉर्मल वो वैसे। चलो चलो बैंकॉक में तुम लोग ने एक रात में 1.5 लाख रुपए खर्चा किया था, वो किस चीज के लिए किया था वो बता दो। बैंकॉक में बेसिकली हमारा 1.5 लाख रुपए 3 रातों में खर्चा हुआ था। एक रात का तुम लोग ने बताया था? नहीं 3 रातें बताया था हमने, ठीक है, दिस चिल्ड्रन रिमेंबर कमल पाजी प्लीज। ओके तो हमने 3 रातों में स्पेंड किया था एंड काली और मेरे दोनों ने मिल मिल के किया था, लाइक 50-50। काली को बड़े बड़े क्लब्स में जाना था, मेरे को जाना था, तो काली और मैंने कहा चलो वहाँ पे हमने महंगा महंगा खाना मंगाया, एक डिश 1200-1300 बाट की, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ गया वो। बाद में 2500 बाट कितना होता है, 12 × 2 फिर भी 1.5 लाख पूरे नहीं होते, बहुत बार क्योंकि बहुत घूमे हम लोग इधर उधर, बहुत घूमे हम लोग, एक फोटो लिया हमने, एक फोटो बैक में पूरे इधर उधर बहुत घूमे। जगह का नाम बताना, कहाँ क्लब्स के नाम? नहीं नहीं घूमे, घूमना अलग होता है, क्लब्स अलग चीज होता है। खापुन खाप कहते हैं हम, खापुन खाप। एयरपोर्ट का नाम मत बताओ तुम, एयरपोर्ट का नाम नहीं है भाई, जगह का नाम है खापुन खाप। एयरपोर्ट 3-4 वहाँ पे एयरपोर्ट है खापुन खाप। उसके बाद कहाँ गए? स्वादी कापा। और अरे हाँ भाई स्वादी कापा खापुन खापा दो जगह ही गए। कैलिफोर्निया ब्लू बाय द वे 3 रात के लिए 1.5 लाख खर्चा किया था, ठीक है, और ये लोग बोल रहे इधर उधर पूरा दुनिया भर की बवासीर कर रहे लोग, ठीक है कोई बात नहीं, ये चीज मैंने मान ली, फैक्ट्स बोल रहे भाई, भाई अगर आपको बिलीव नहीं करना कमल पाजी तो हमें यहाँ इंसल्ट मत करो प्लीज। नहीं तुम्हारे तुम्हारे ये सब स्कैम सच है या नहीं? ये कहना सच है, सेठ जोशी उस टाइम पे हमारे साथ था, ठीक है, अगर आपको झूठ लगता तो सेठ जोशी से कॉल करके पूछ लूंगा मैं। हाँ जी आप पूछ सकते हो, ठीक है। स्वादी का आपा बहुत अच्छी जगह, आपको भी जाओगे तो आपको जाना चाहिए, साथ में चलोगे? साथ में चलोगे, ठीक है। एनीवेज
अभी कैसा लग रहा है एक दूसरे की टीम में ऑपोजिट खेलते हुए? मिस कर रहे हैं भाई? मैं पर्सनली तो बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि हमने 3 साल साथ में, नहीं एक्चुअली उससे भी ज्यादा, 3.5 साल हमने साथ में गुजारे हैं। 2017 में पहली बार जब ऑल स्टार लाइनअप इंडिया का सीएसगो का बना था एनटीटी का, तो उस टाइम पे हम दोनों साथ थे, वहाँ से हमारी दोस्ती यारी स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे वो भाईचारे में कन्वर्ट हुआ, फिर ऐसा हो गया कि जहाँ जाते थे वहाँ पे साथ में आते थे। बूट कैंप पे अगर कुछ भी गलत हुआ, मतलब अगर ये और मैं अपने घर पे भी हैं, सबसे पहला फोन श्री जोशी उस टाइम का जो हमारा मैनेजर था, सबसे पहला फोन काली को जाता था, दूसरा सिमर सेट्टी, तुम क्या करके गए हो? मतलब हम दोनों उस बूट कैंप के क्राइम पार्टनर्स बन गए थे। तो अनुज हमें गालियाँ देता था, अनुज हमें रोकता था, मत करो, सबसे गाली खाते थे हम दोनों, चाहे कुछ करें या ना करें। तो अभी अभी अनफॉर्चुनेटली मेरा क्राइम पार्टनर बदल गया। कौन है अभी? मतलब वो अभी एंटी है, सिमर को रिप्लेस कर दिया? नहीं, मतलब बूट कैंप है, ऑब्वियसली बूट कैंप हैदराबाद में, तो उधर मेरा क्राइम पार्टनर एंटी है, सेम ऐसी हरकतें करते, ये लेवल के नहीं बट थोड़े थोड़े एंटी वाले अभी तक पहुंच रहे ऊपर, धीरे पहुंच मेरे भाई, पहुंच ऊपर, पहुंच भाई, सिमर के लेवल पे आना तेरे को। देखो गाइस, एनीवेज स्काली के लिए सरप्राइज था, सिमर आ रहा है, ठीक है ना? अब इन दोनों के लिए सरप्राइज है, देखो दो ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर आ चुके, लेट्स कॉल देयर फादर फ्रॉम अनदर मदर, दोनों के पापा को, और देखते क्राइम सच है कि नहीं। प्लीज वेलकम गाइस सिड जोशी। व्हाट द फक भाई, ये बंदा कल मुझे बोल के गया मैं मिलूंगा बाद में तुझसे, अब ओह माय गॉड, 200 के लिए था जैकेट, ये मेरे सामने पालिका बाजार से लिया दिल्ली से इसने, बंदे ने ऐसे कूल बन गया, 1.5 लाख वाली स्टोरी सुनी? हाँ, सिड ये बोल रहे हैं, सिड से कंफर्म कर लेना, सिड प्लीज कंफर्म, वो 1.5 लाख वाली स्टोरी क्या थी? 3 दिन में खर्चे हुए था, 1 दिन में खर्चे? 3 दिन में नहीं होता, 3 रातें नहीं बोली थी हमने पटाया में, मैं था ही नहीं उधर, बट पर हमने तो आके क्या बताया था, 1 रात या 3 रात? 1 रात में ना, कैसा झूठा, 3 रात, सिड माना 3 रात, एक रात भी नहीं, उसने ऑल नाइट या वर्ड यूज किया था, अभी वो पता नहीं क्या था। जूते मैंने ही दिलवाया तेरे को, दल ले। 13,000 के दे रहा था, बोला थोड़ा कम कर ले, थोड़ा कम कर ले प्लीज, थोड़ा। तेरी घड़ियां पहन के बैठता ही है। ओ हेलो, सारी परचेज करी है मैंने। कितने की? ये मैंने से सेट से ली थी, सेट ने 20 में ली थी, मेरे को उसने 11 में दिया, 1000 रुपए का उसने रखा। मेरा व्हाइट वाला किधर है? वो तो क्या व्हाइट वाला, वो तेरे को बोला था टॉप 3 आने को एशिया में, तब मिलेगी तेरे को। एशिया छोड़, अभी इंडिया में नहीं है। माहौल गर्म हो रहा है, अबे अलग का पानी हो रहा है, बहुत टाइम बाद देख के ना तुम तीनों को मिल के, तुम लोग का तीनों का ड्राइव बहुत बढ़िया लगा आज, आज तुम लोग के थोड़ा मेरे लिए इतना शॉकिंग नहीं है, तेज हो रही तुम दोनों की? नहीं, मेरे को आदत हो चुकी है सेट, रोस्ट हो गया, अब आदत सी हो गई। नहीं, आज जो हम लोग ने तैयारी की हुई है ये बहुत सरप्राइजिंग था। हां, ये बहुत ज्यादा, इसके आगे जो सरप्राइजिंग होने वाला है क्या, वो बहुत खतरनाक होने वाला है। और कौन आ रहा है भाई? दोस्त तो और कोई आने वाला यहां पे, अभी आ रहा है यहां पे, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं तेरे को वहां पे नहीं बैठने बोलूंगा, मैं तेरे को यहाँ पे बैठने बोलूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी द को होस्ट फॉर दिस शो फर्स्ट टाइम, हैप्पी टू बी, ठीक है ना? सो मैं आगे बढ़ने से पहले ना एक वीडियो बताना चाहता हूँ। सो वीडियो सिमर मैं जानता हूँ, सिड जानता है, एक्सकाली भी जानता है क्यों हुआ था, बट मैं चाहता हूँ कि तू ऑडियंस को बताए कि ये तूने क्यों हरकत की थी ऐसी, ठीक है? वीडियो इधर आ, आओ इधर आओ, इधर आओ, ये 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 जो सीन था क्या था? आई थिंक चेन्नई वाला है। हाँ। ये क्या था? वाट ये ट्रिपल एच ये क्या था? तेरे बॉक्सर अभी भी ये एनटीटी के बूट कैंप पे पड़े हुए, अभी भी पड़े हुए तेरे ये चड्डियां, ये क्या था? मेरे को, मैं जनता जनता उस टाइम पे जवान था, होश नहीं था। पिछले साल की बात है ब्रो,
सीएसगो की बात है वो क्या हुआ क्या तू क्या बज रहा तू क्या बज रहा तू क्या बज रहा तू क्या बज रहा देखो क्या बजा रहा है भाई तेरे को सपोर्ट कर रहा हूं नहीं देखता हूं फिर ये तेरे टाइम पे सपोर्ट करता है कि नहीं हुआ क्या था लेकिन हुआ क्या तेरे को पता क्या हुआ था स्किल्स को ना अंदर से बहुत शौक था अश्लील हरकतें करने का हमारे साथ तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करता हूं वो थोड़ा सा एफ हो गया मेरे साथ वो अलग बात है और सर जोशी एज यूजुअल हर जगह रिकॉर्डिंग उसका ऑन ज्यादा मैंने रिकॉर्ड किया ये मैंने रिकॉर्ड किया मैं बाजू में सोया हूं देख दैट वाज मी ये मेरा रिकॉर्डिंग नहीं है दैट वाज मी भाई जवानी के दिन थे उस टाइम पे हम सीख रहे थे चीजें धीरे धीरे मतलब ठीक है होती है ऐसी चीजें हो जाती है बुढ़ापा हो गया चलो ठीक है ये चीज समझ में आ गया तूने जस्टिफाई कर दिया तेरे को सपोर्ट कर रहा था मैं देखता हूँ कि तू इसको सपोर्ट करता है कि नहीं 31st नाइट याद है ट्रू ट्रैम ट्रंक हाँ याद है क्या हुआ था तभी नाम लेने की जरूरत नहीं है क्या हुआ था हमारा काली भाई थोड़ा इमोशनल है जोशीला हो गया था नहीं हम दिखाते क्या हो गया था मैं दिखाता हूँ वही फोटो आने वाला है जो मेरा बर्थडे पे एडिशन डाला था वही फोटो आएगा ऊपर बाल वाले ऐसे नहीं ये देखो सिट प्लीज ओ भाई ये डाउनलोड नहीं हुआ ये मेरे को याद आ गया कौन सा है वो जो मेरे बाजू में बैठा था तेरे को सिड ने इतनी गालियां दी थी ना उस रात को वही ना सिड वही है ना सिड आवाज ही बाजू में बैठा था मैं उसको बोल रहा हूं हमारा लड़का फुल ऐसे सिड कॉलर वॉलर ऊपर करके इधर नहीं उसके ऊपर पूरा ना कॉलर वॉलर ऊपर करके जा रहा काली बाप ठीक है कोई बात नहीं देखो कितना 31st को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं देखो कमेंट तू उसके पीछे खड़ा है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं बाय द वे अरे अरे क्या हो रहा है नहीं हो पा रहा है क्या इंटरनेट स्लो है क्या तुम्हारा ये आईपैड में इंटरनेट ए दे काली ने कुछ ज्यादा ही रास्ता पी लिया था ये भी मेरा रिकॉर्डिंग नहीं है ये क्या मेरे को इससे सर्बिया याद आता है सेड जो दिल्ली में याद है ऑर्गेनिक वो तू मुझे क्या बोल रहा है मेरे पे भी आना चाहिए उस पे रहे तो वही रहेगा ना काइंड ऑफ वैसा रह सकता है मेरे को पता ऑर्गेनिक नॉन अल्कोहलिक वैसे रह सकता कुछ बट और भी कुछ हुआ था 31st नाइट को और याद नहीं आ रहा मेरे को मतलब कॉलर पर हुआ था तुम्हारा सेट से तुमने 5-10 गालियां खाई थी इसको 12 बजे के बाद आई डोंट थिंक कुछ याद रहेगा तू किसका पूछ रहा है मतलब जो ये देख रहे हो ये वो वाला भाई लोग गलत समझेंगे वो वाला बताओ वो वाला क्या मेरे को याद नहीं है नहीं सब याद है तुम्हें वही वाला बोलो वो वाला बोल नहीं सकता मैं ऐसा क्यों नहीं बोल सकता क्यों काली तुम्हारे अंदर का वॉरियर फाइटर जागा था थोड़ा बताओ भाई तू भी फाइटर था मोटा तू भी तो फाइटर था नहीं वो वाला वो बोल नहीं सकता हो सकता है उसके टीम में भी जाना पड़े उसको ठीक है एनीवेज कोई बात नहीं मैं एक छोटा सा भी छोटा मोटा क्वेश्चंस टाइप पूछ लेता हूं तुम लोग श्योर श्योर गो अहेड क्या बोला तुमने अभी श्योर गो अहेड श्योर श्योर बोला से पहले श्योर श्योर गो अहेड बहुत ज्यादा ऐसी है सर्वर पे खेल रहे हो तुम आजकल तेरे सनी सब जो गाली देके भगाए ना मेरे गेम मेरे टीम में आते हैं आजकल वो लोग बोलता साइ इडियट मैंने शनी जी को मात दे दी तेरा भाई पहुंच गया रेडियंट अब मुझे कायनात ही रुक सकती नीचे के अंदर से मैं जीत ही जा रहा हूँ ठीक है यस रेडी हाँ जी सर सेट ये लोग की जीके कैसी तेरे को लगता है छे दोनों में से एक 10वीं फेल है सिमर पास नहीं होता कभी मेरे पे कैसे आ रहा है भाई फेल तू है भाई मेरे पे कैसे आ रहा है नाम नहीं लिया मैं 10वीं से कुछ फेल नहीं भाई हेलो ये कहां से आ रही है भाई चीजें ना तो काली मेरा भाई है काली भाई पूछा नहीं मेरे पास डिग्री है इसका डिग्री है हम दोनों के पास इसके पास तेरे पास MIC क्या होता है मास्टर्स इन चूतिया पास ठीक है ना कौन सी यूनिवर्सिटी से या तुम्हारे मुंबई यूनिवर्सिटी वो देख रो लिया ऐसा लग रहा है
रो दिया ऐसा ही है भाई, ज्यादा हंसना दो डायरेक्ट बारी आ जाए। ठीक है ठीक है, एक्सकाली तेरे लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरी फेवरेट सिटी कौन सी है? पुणे। मेरे को लगा टोक्यो बोलेगा तू। पुणे। तेरे लिए एक क्वेश्चन है कि सुना है तेरी शादी हो रही है? अभी नहीं हो रही है, अभी उम्र का है, अभी मतलब यंग हूँ, अभी दुनिया देखनी है मुझे, एक्सप्लोर करनी है। एंगेजमेंट का वगैरह बातें हुई है? एंगेजमेंट का ना मतलब बातें बातें तो होती रहती है, आखिर में मुझे करना है, मैं करूँगा। बातें बातें होती है मतलब बहुत बार हुई है क्या बातें? नहीं, घर वाले थोड़ा बोलते रहते हैं कब करेगा ये सब तो। उसके घर वाले लड़की के या तेरे घर वाले? कौन से लड़की के घर वाले भाई? कोई लड़की के घर वाले नहीं है, मेरे घर वाले बोला है बेटा कर ले। अगर कोई होगी तो इसके लिए जनरली नहीं, मुझे क्या पता, मुझे कैसे पता होगा। ठीक मान ले तेरी बात, हम लोग मान रहे हैं। ऐसा कर, अब मनाली किस किस कर जा रहे हैं? क्या मनाली जा रहा है ना? कौन क्राट सा मैं अरेत्रो क्राट, मेरे को कल बोला कैंसिल हो गया, तुम लोग ट्रिप बोला क्राट का भी कच्चा बक्का चल रहा है, बट हम तीन चार लोग जा रहे हैं 100%। क्या है वो तीन चार लोग का नाम? अरेत्रो, स्पर्श एंड मेहुल। ये तेरे दोस्त हैं? यस। कितनी बार मिल चुका है भाई? बहुत बार, कम से कम 6-6 साल की दोस्ती है हमारी। तूने नाम सुना है कभी अरेत्रो का? यार मैं तुम्हारे साथ बॉम्बे में ज्यादा टाइम तो, बाकी सब दोस्त ठीक है, लेकिन ये दोस्त कौन है जो मेरे को कभी मतलब मिला नहीं है? बंटी कौन है यार? बंटी कौन है? तुम दोनों का दोस्त है, बहुत नाम सुना है तुम लोगों के मुंह से, मिल नहीं पाए। वो YouTube पे बंटी भाई करके आया ना नए, वही तो है बंटी। कौन है जो वो जो कौन सा टीवी शो था अभी? टूटी है सीक्रेट गेम्स, बंटी भाई वो, उससे हम लोग ये अच्छी खासी जान पहचान हुई बंटी भाई। जोक तो अच्छा मान ले। इधर ब्लड प्रेशर मीटर लगाना चाहिए तूने, वो लोग पे हाई लो ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत सीन हो जाएगा। नहीं बंटी भाई रहते कहाँ? कलीना के वहाँ पे हमारा बूट कैंप था एंटिटी का। अच्छा प्रोफेशन क्या होगा? आई थिंक काफ़ी बड़े काम वाम करते हैं, वो हमें जानते थे, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था उन्होंने और वहाँ से मेरे दोस्त भाई बात वाला हमारी दोस्ती आ रही है और से बातचीत हमारी होना था। प्रोफेशन बताया? मुझे क्या पता होगा भाई, मैं लोगों के प्रोफेशन दोस्त है तुम्हारे, अच्छी दोस्त है। अब अभी अभी ये देख, मेरा अच्छा दोस्त है, ये दादा अच्छे दोस्त है, मेरे को पता है साउंड इंजीनियर है। सिड के आगे दोस्त है जो एक क्रिकेटर है, मेरे को पता है। तेरा दोस्त क्या है? तेरा अच्छा दोस्त बोल रहा है, अच्छा दोस्ती वाली हो गई। बंटी के बारे में जानना चाहिए आपको, मैं बताता हूँ कौन है बंटी। कमल का बेस्ट फ्रेंड। कौन है भाई? कमल डेली राउंड मारने जाता है। बता बता कहाँ राउंड मारने? भाई तू मत कर भाई, तू पागल वागल है भाई, कलेश बच जाएगा भाई, मत कर भाई। कल रात को कमल लेके जा रहा था एक बंदे को, कहता प्रणव को लेके जाऊंगा। प्रणव की गांड पड़ेगी। तुम भी चलोगे भाई मेरे साथ? चल सही है। एनीवेज सो एक्सकली क्या बोल रहे? सो एक्सकली मैं अलग सुनाई दिया कुछ एक्सकली। हाँ एक्सकाली, तो मेरे को ऐसा लगे कि तू घड़ी वीड़ी रखने का बहुत शौक है तेरे को। बिल्कुल गलत लगा। नहीं है, किस चीज़ का शौक है घड़ी रखने का? मतलब घड़ी इंजन ऐसा मेरे को इंटरेस्ट था नहीं, पर सीड मेरे को देता था, मैं एक्सेप्ट करता था प्यार से। देता नहीं था, तू छीनता था। हाँ फिर तू बोलता सर, प्लीज दे दे। तेरे को ये शौक है ना घड़ियों का? मेरे पे क्यों आ रहा है टॉपिक भाई, पूछ रहा हूँ। यस यस सर, शौक है, बहुत शौक है, बहुत सारा। कितनी घड़ियां तेरे पास? जी कहने वाले कुछ मेरे पास 5 है। 5 है? हाँ। ऐसा तेरे को और बदलने का भी शौक है थोड़ा बहुत? नहीं मुझे शौक नहीं है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि करना पड़ा, क्या कर सकते। तेरे साथ ही मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं बोलता हूँ ना मेरी किस्मत तो ऐसी है, दूध देखो दूध फट जाए, मेरी किस्मत ऐसी है, मैं क्या कर सकता हूँ लाइफ में भाई। प्रॉब्लम तू एग्री करता है इस चीज में? नहीं करता तू एग्री इस चीज से? नहीं, नसीब तो खराब है ही उसका, उसके साथ हमारा भी होता है। हाँ मतलब वैलो भी उसने लेट चालू किया तो वो भी है, मतलब उसको कोई बोलने वाला था नहीं कि वैलो पहले चालू कर, उसको कोई बीटा देने वाला था नहीं तभी, तो उसने लेट चालू किया बहुत ज़्यादा वैलो, तो उसके वजह से थोड़ा पीछे पड़ गया है, और कुछ नहीं। अगर तू स्टार्ट में चालू करता तो कौन सी टीम में होता? आई डोंट नो, यू नेवर नो, बट मोस्टली आई थिंक मैं इनके साथ होता, क्योंकि अनुज उस टाइम पे मेरे को बोला था, बहुत बार बोला था कि समर हम वैलो खेल रहे हैं, आ जा, और मैं बोलता रहता था कि नहीं भाई नहीं, CS:GO का कुछ होगा। यकीन कर रहा? हाँ मतलब तभी ये बातें हुई तो थी, हुआ था ऑब्वियसली, बट CS इसका प्यार था और CS का इसको स्टिक करना था। मैंने भी इसको बोला था भाई,
खत्म कर दे सीएस, वैलोरेंट में आ जा, कर दे कुछ। तभी इसके पास एक सीएस का ऑर्ग था, तो बोलते तू आ जा सीएस, वापस अपन कर दे कुछ। इसके पास कौन सा सीएस का ऑर्ग था तभी? था एक वो टाइम पे। एंटिटी के बाद कौन सा ऑर्ग था तेरे पास सीएस का? मतलब बातें चालू थे, बातें चालू थी। नहीं नहीं नहीं, वो उसके बाद क्या ब्लेज भी था क्या कोई? नहीं नहीं नहीं, जा अभी भी खेल सकता पता नहीं मेरे को। कॉन्टैक्ट्स 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 ठीक है। कुछ नहीं मतलब ज्यादा हम लोग वापिस, हम लोग नहीं मतलब मैं और मेरा एक प्यारा दोस्त भाविन, हम लोग दोनों वापस दूसरे आसमान में चले गए थे। कुछ तो सिड ने क्या बोला क्या था, पिया था तुमने? ऑर्गेनिक नॉन अल्कोहलिक अल्कोहल वैसा कुछ तो हुआ था, तो उसके वजह से मेरे को याद नहीं मतलब क्या हुआ था। मेरे को सिड को याद है, तुम लोगों को तो ऑब्वियसली याद रहेगा। मतलब बहुत ही ज्यादा इसके स्ट्रीम काली की रिकॉर्डिंग भी है, बिल्कुल सेक्सी फोटोज आई थी बहुत सारी मेरे पास। अच्छा मॉडल मॉडलिंग वाली फोटो प्योर ठीक विक्टोरिया सीक्रेट टाइप। मैं दिखा दूं, मैं ब्लर ब्लर करके दिखा सकता हूं मैं ठीक भाई से देख रहा है गांड मारने के लिए फुल लैग ऐसी फोटोज है ना मेरे पास मां कसम किसको दे दी ना मैंने उसकी लाइफ बन जाएगी। चल फोटोज अच्छी थी ठीक है, तू टेंशन मत ले, हमारे पास गोवा का वीडियो है। क्या हुआ अबे? चल एक क्वेश्चन सेट तू उसको क्या बहुत क्राइम, एक दूसरे का बहुत क्राइम है हमारे पास भाई, बहुत। हम कभी कुछ नहीं कह सकते दूसरे को, इतनी चीजें ना हमारे पास एक दूसरे के अगेंस्ट की मतलब कुछ भी हो सकता है। हमारे रात और रात कायनात बदल जाएगी, हमारी जमीन हिल जाएगी, सब हिल जाएगा। चलो एक्सेल तेरे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन वापस है तेरे लिए कि एनीवे तूने अभी नई कार ली है सिड? हां ठीक है, भाई पैसा बोलते हैं मतलब तू एनीवेज विनिंग स्ट्रीक में रहा, उसमें से भी कम से कम आधी अमाउंट तो तूने कार की उसमें से दे रहेगी टूर्नामेंट प्राइस से, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। तो तेरे ने कभी कार लेते टाइम ऐसा सोचा था कि तू ग्लोबल से 13-0 ठोके? नहीं ऑब्वियसली 13-0 कौन से भी टीम से ठुकते नहीं हम लोग, वो दिन हम लोग का गंदा था, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग भी वो मैप पे अलग कुछ ट्राई कर रहे थे, वो वर्क नहीं हुआ। इट्स ओके, होता है कभी कभी, विनिंग एंड लूजिंग इज पार्ट ऑफ द गेम, समटाइम्स वी लूज समटाइम्स वी विन। इसने राधिका बाबी ने लिख के दिया है? नहीं नहीं इसने लिखा नहीं है, मेरे मन के जो भी है सब सीधा मेरे मन से आ रहा है। दिल पे कितने पत्थर रखे हैं बोल दे, दिल पे तो तूने केचप गिरा दिया अभी ये देख पूरा लाल लाल हो गया। मैं तो कंसोल कर रहा हूं सिमर के लिए, तू एक क्वेश्चन तू एक्चुअली दोनों के लिए क्वेश्चन है मेरे पास। किधर गया बकवास आ रहा है। तुम लोग सीएस में भी दोनों काफी टॉप के प्लेयर्स थे और अभी वैलो में आके भी यू टू आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द कंट्री, व्हाट डज दैट मेक यू फील? How does that make you feel? Very proud and और motivation देता है कि और। एक second, sorry, ये skills और SK Rossi का question है। Oh. ये लोग दोनों का किधर गया? देख मतलब एक 13-0 और दो best of three best of five matches पे determine नहीं करना चाहिए कि top players कौन है। नहीं बट ऑन अ सीरियस नोट, तुम लोग एंटिटी में जब साथ में थे तुम लोग कंसिस्टेंटली नंबर वन टीम थे जब साथ में थे, मतलब इफ नॉट द बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट यू वेयर द बेस्ट। अभी तुम लोग वैलो में आके सेपरेट टीम में हो, दोनों ही नंबर वन नहीं हो, कैसा लग रहा है? ऐसा बोल नहीं सकते कि माई इज नॉट नंबर वन, फिलहाल अभी हम लोग नंबर वन है। 2020 हम लोग ने ऑलमोस्ट 10-15 टूर्नामेंट जीते, तो जो सेकंड नंबर थी 2020 में वो लोग और ऊपर चढ़ना है नंबर वन पोजिशन पे आने, तो और टाइम है वो लोगों और हम लोग वापस आ रहे फील्ड में। मेरा मेरा बस यही फोकस है अभी जो मैंने ठान रखी है कैसे भी करके कि जैसे ही मेरा बूट कैंप स्टार्ट होगा द न्यू ऑर्गेनाइजेशन सारे प्लेयर्स फुल पम्प्ड अप है, फुल मेहनत करने लगे, क्योंकि हम जब भी मोस्ट ऑफ द टाइम हार रहे थे माही से 2-1 हार रहे थे, बार बार वो एक मैप लैक हो रहे थे, अभी रिसेंटली जब हम खेले तब भी अप थे, बट वही बात आती है कि इनकी प्रैक्टिस है एंड प्रैक्टिस है भाई तुम बेटर बनते हो डे बाई डे, एंड हमारे पास नहीं है तो अभी हम वो पूरा फुल ऑन करने वाले हैं, पूरी मेहनत करने वाले, ग्राइंड करने वाले हैं, एंड यही हमारा गोल है कि अभी हमें फर्स्ट पे आना है एंड दोनों को डीथ्रोन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे को अगेन थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन है। 2020 तुम लोग ने बहुत ज़्यादा ओन किया,
मतलब एक अलग लेवल की तुम लोग की सिनर्जी थी, अभी थोड़ा सा हादसा हो रहा है, कैन अंडरस्टैंड. तो व्हाट वाज द सीक्रेट टू योर सक्सेस और अभी नेक्स्ट किक कौन हो रहा है? अपॉर्चुनिटी हम लोग ने इससे सीख रहे हार से, तो और नेक्स्ट टाइम जब भी रहेगा तभी 13-0 नेट हो गया. मेरे को बता, जब तूने अपना करियर स्टार्ट किया कितने साल, 3-4 साल पहले तूने अपना करियर स्टार्ट किया, ग्राइंड किया, हार्ड वर्क किया, बहुत ज्यादा मतलब मेहनत किया तुम लोग ने, कभी ऐसा तेरे को लगा था कि कप्पा से रिवर्स स्वीप होगा? नहीं, ऐसा लगा नहीं था. वो मैच के टाइम में लगा नहीं था मेरे को, अभी क्या कर सकते, वो लोग खेले अच्छा, हम लोग थोड़ा चौक हो गए बोल सकते वैसा 2-0 के बाद. तो ठीक है यार, होते है कभी कभी, बहुत मैचेस देखे ऐसा 2-0 लीड के बाद 3-2 हो रहा था, कुछ कर नहीं सकते उसमें. और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है या ये है, आपने ऐसा बैंकॉक में क्या देख लिया था जो अभी आपके मेमोरी में इटरनली रह चुका है? जो हम लोग के होटल के बाहर स्कॉर्पियंस वगैरह दो दिखे थे ऐसा सॉल पे लगे, वो बहुत अच्छा है. ये जिससे क्वेश्चन लिखे आ रहा भाई उसको मेरे ज्यादा 100 रुपए का इनाम महंगी बोलती बोल नहीं सकता आधे दो ड्रामा में चले गया था मैं पहले. पहले 15-20 मिनट में सोच रहा था क्या हो गया मेरे लाइफ में, मैंने ऐसा क्या किया करके ये देखने मिल रहा है मेरे को. बट उसके बाद अभी क्या क्या कर सकते, जो हुआ वो हुआ, वी हैव टू मूव ऑन, कुछ बोल नहीं सकते हो. ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं. सिमर, तेरे लिए क्वेश्चन है सर, कि इंडिया का तू बेस्ट स्ट्रीमर कब बनेगा? मेरे को बनना ही नहीं. क्यों? क्योंकि मेरे को हमेशा प्रोफेशनल प्लेयर बनना है, टॉप पे जाना है. मैं प्रोफेशनल प्लेयर हूँ बट मेरे को उस पे टॉप पे जाना है. मैं स्ट्रीमिंग मेरे लिए एक हॉबी है, बट अभी मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा ज़्यादा फ्री टाइम मिल पा रहा है अभी, एंड मैं मैनेज कर पा रहा हूँ अपना शेड्यूल प्रॉपरली विद माई गेमिंग एंड दिस. तो दोनों मेरे लिए वर्क कर रहा है, एंड जो मेरे जो लोग आके मेरे को देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स लॉट टू देम, एंड वो लोग इतना प्यार देते हैं कि जब मैं नहीं भी करता तब भी सपोर्ट देते हैं. तो अंगूर खट्टे वाली स्टोरी सुनी है क्या तुमने? नेक्स्ट क्वेश्चन. कुछ अच्छा बोला देखो तभी बकवास कर दी. कौन सा वाला स्टोरी? अंगूर खट्टे. अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे, पॉलिटिक्स करना मेरे खून में नहीं हो. जब दोनों साथ में मिलेंगे कुछ ना कुछ तो करोगे, मेरे को भी पता है. क्राइम जरूर हो सकता है, पॉलिटिक्स नहीं. पॉलिटिक्स हम लोग का फील्ड नहीं है, हम लोग का क्षेत्र, हम लोग का क्षेत्र नहीं हो. ये इंडियन कम्युनिटी जो भी गेमिंग वेमिंग है यहाँ पे जो भी करते हैं, मतलब पॉलिटिक्स करना मुश्किल है क्योंकि माही में अभी वो लोग सिमर को लेंगे नहीं और सिमर को एंटीडोट की जरूरत नहीं है फिलहाल. तो पॉलिटिक्स तो आई डोंट थिंक कुछ ऐसा होएगा. बाकी सब तुम लोग का पर्सनल रहेगा, ये 99% पूरा गेम का रहा है, 1% पर्सनल हो रहा है. इसके बाद हो
पर्सनल तुम बता नहीं रहे हो, बोलते ये नहीं बता सकता वो नहीं बता सकता भाई, क्योंकि पर्सनल चीजें वैसे वो जो पर्सनल रहनी चाहिए। मैं वही कल कमल को भी बता रहा था कि हम लोग के स्टोरीज ऐसे है कि हम लोग बता नहीं, नहीं बता सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल वो चाइना का एक्सकाली का ब्रिस्क वॉकिंग वाला इंसिडेंट, हां नहीं बता सकते, सब चीजें बता नहीं सकते, नहीं नहीं बता सकते हो। मतलब लाइव में ऐसा वो जो एक्सकाली ऐसा 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 करके भाग गया है मेरे और ये मतलब ऐसी कहानी है कि जब मैं शादीशुदा हो जाऊंगा मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी है तुम्हारे अंकल, तू अपने छोटे बच्चे लोग को बताएगा, तुम्हें बताऊंगा मतलब ऐसे जब वो बड़े हो जाएंगे मैं ऐसे कहानी शेयर कर रहा था भाई भाई जरा पीने का लगता बोला था बच्चों को बता सकता हूँ बड़े होकर जब बोले मतलब कहानियाँ बहुत मेमोरीज है, बहुत बड़ी मेमोरीज है, ये बाहर निकल गई तो बस करियर ओवर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है चलो अभी अभी जी के क्वेश्चन एक्चुअल वाला पूछता हूँ, ठीक है। इंडिया के करंट प्रेसिडेंट का नाम क्या है? रामनाथ गोमन। रामनाथ गोमन क्या बोला तुमने? क्या बोला क्या बोला? गोविंद रामनाथ गोमन गोमन। एक काम कर सुन बाबे, नीचे जमीन पे जाके बैठ, चल जा अबे शर्म कर ले। रामनाथ को क्या बाबे मुझे बता, बोला रामनाथ गोमन। मारू चक्कू अक्कू लो भाई, दस काट दे मेरी। क्या बोल रहा है वो? नॉर्मली वाला आंसर देना जरा, सेम आंसर वो बबल ना ऐसा जो बोलते हैं, सेम आंसर ना हो पाई, सेम आंसर ना हो पाई। मेरी तरफ से क्या कर रहा है ये? चेन्नई वाली बात हो रही है ना हो पाई, वही बोल रहा हूँ ना, फिर ना हो पाई भाई। नेक्स्ट। नहीं, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या? क्या नाम था तुझसे पहले? तो रुक दो मैं इधर से पहले बात करूँ। इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू। बोल तो दिया कमलजीत सिंह, नहीं नहीं बता ना हो पाए, ना हो पाए। ठीक है, सो इंडिया का गणतंत्र दिवस ये क्या होता है? इंग्लिश में बताओ। गणतंत्र दिवस भाई कभी रहता है? 15 अगस्त दिवस क्या हुआ? इंग्लिश में बताओ। 15 अगस्त वो उसका आंसर है, तेरा आंसर क्या है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट गणतंत्र दिवस पता होगा भाई क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस कब होता है? अरे भाई इंग्लिश में बोल दो। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और क्या गणतंत्र 26 जनवरी। देख पहले बोल दे। ठीक। जनगण मन किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। पक्का? यस। सेम आंसर तेरा। यस। वंदे मातरम किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। तू गलती से रहा डिवाइड बाय मत बोल दिया बहुत चाटे पड़ेंगे बच्चा। नहीं नहीं बताओगे? हां नहीं बताओगे? चुपचाप से सेफ बोल दे। सेम गलत है। तुमने तो लिखा नहीं है, मुझे कहा था, तुम्हें पता होगा किसने लिखा है, तुम गूगल करके आए। मैं ये देख देख ये देख आंसर नहीं इस पे। बंकिम चंद्र चैटर्जी। कौन? बंकिम चंद्र चैटर्जी। अच्छा ठीक है, ये नाम अफ्रीका का कैपिटल पूछ उसको। इट्स अ कॉन्टिनेंट ब्रो। हो गया वो, बहुत हो गया वो अपना साउथ अफ्रीका। प्लीज इट्स अ कॉन्टिनेंट। बहुत हो गया वो। इट्स इन इट्स ऑन माय बकेट लिस्ट। चल सिमर ये बता ये क्या होता है? H U M B L E। Humble। F U M B L E। Fumble। K U M B L E। Kumble। Gumble। Gumble। क्या बोला इसे? क्या बोला था? K U M B L E। Kumble वो। ये ऐसे वीडियोस देखे मैं रिसले मेरे को समझ गया था तू क्या बोल रहा है कौन से। हाँ मैंने बहुत देखे ऐसे वीडियोस। ठीक है मेरे को ना लिटरली इसका जवाब सुन के तो अभी दिमाग ही चल रहा है। बहुत मजा आ रहा है तुम्हें। चल ठीक है, इंडिया का नेशनल बर्ड क्या है? पीकॉक।
गोवा का कैपिटल भाई पंजिम पंजिम नहीं कैलंगुट नहीं है कैलंगुट नहीं है नहीं पंजिम पंजिम अगर नहीं रहा तो 100% पंजिम तू बता पंजिम अभी रिसेंटली किसी ने पूछा मैंने हगा था इसलिए याद आया मुझे स्ट्रीम पे पूछा था महेश भूपति कौन सा स्पोर्ट्स का प्लेयर है ये कौन है भाई ये तो नाम भी नहीं सुना मैंने महेश भूपति नाम नहीं सुना नहीं लालन तेरे पे हॉकी कुछ भी मतलब कुछ भी बास्केटबॉल अबे बोल देना नहीं पता क्यों बेइज्जती करानी है अपनी जो स्पोर्ट्स का नाम है ले लू भाई गलती से मटका लग गया तो मटका लग गया तीन बोल दिया उसमें से मटका लिएंडर पेस कौन से स्पोर्ट्स का कौन लिएंडर पेस F1 क्रिकेट तू क्या बोला F1 रेसिंग नहीं पता भाई भाई हमें तो सचिन तेंदुलकर पता है गांगुली पता है सहवाग पता है ये तुम इंटरनेशनल जा रहे हो ये गलत है गैंगलिंग गांगुली गांगुली सहवाग जी गैंगलिंग वो भी पता है तेरे को तुम लोग इंटरनेशनल जा रहे हो तो प्लीज इंटरनेशनल जा रहे हैं हम बाबा देश में हो ये दोनों अपने इंडिया के टेनिस प्लेयर है हां वही बोलना रहा था टेनिस यार टेनिस ठीक है साइना नेहवाल कौन सा स्पोर्ट्स में बैडमिंटन बैडमिंटन साइना मिर्जा टेनिस उल्टा तो बोल दिया बराबर है आई श्योर यस यस बोल दे तू बिंदास फिलहाल मेरे लिए इतना ही है इतना ही क्वेश्चंस था यस देखो जीके के क्वेश्चंस भी ढंग से लिख के नहीं आए नहीं नहीं ये लिखे नहीं मैं फ्लो में पूछ रहा हूं नहीं हो पाएगा मतलब फ्लो में पूछ रहा हूं इसको खत्म हो रहा है जीके का तेरे को और बढ़ाना है उसको बता उसको कौन सा क्वेश्चन था रे वो मून वाला तेरे को याद आ रहा क्या वो अब भी टॉपिक एंड हो रहा है तेरे में चूल है वो हाफ मून क्या था वो मेरे को याद नहीं आ रहा अभी उधर हाफ मून दिख रहा था 15-20 मिनट ऐसे थे हाफ मून दिख रहा था उसका दूसरा हाफ किधर रहता है दूसरे साइड उधर रहता है उधर किधर तो रहता होगा यार दूसरा मेरे पता है यहां नहीं रे तो अभी तूने बहुत गंदा आंसर दिया था तूने तभी मेरे को याद है अभी तेरे को डांस का कदम करना शांत रहते शांत रहते छोड़ रहे वो लोग को पूछ ले दे तू अच्छा अभी ना एक तुम लोग से एक चीज करा के लेता हूं ठीक है सो सिमर को बाद में करते हैं पहले एक्सकाली को पूछ दे हां हाँ एक्सकाली वाले क्या होते एक्सकाली तेरा फोन ले ठीक है ओ ये मैंने देखा था क्या करवाने वाले तुझसे क्या करेंगे मेरे को पता तू क्या कराने वाला क्या पता 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 लिख दे आई क्विट गेमिंग करके कुछ तो तू बड़ा करने वाला है नहीं नहीं सो बेसिकली तेरे को तेरी मॉम को कॉल करना है ठीक है और एक बहुत स्वीटली बताना है कि तू कितना प्यार करता है अपनी मम्मी से बोल मैं आज तक मम्मी एक्सप्रेस कभी किया नहीं रहेगा बट आज करता हूँ और उनके लिए गाना भी गए मैं तेरे को लिरिक्स भी देता हूँ ठीक है और तू बोल नहीं सकता कि मैंने शो के लिए किया है या कुछ तेरे को जेन्युइन कॉल करके बताना है अपनी मॉम अब ये लिरिक्स में है ट्विस्ट नहीं 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 तारे जमीन पर वाला जो माँ गाना है ना ओ उसका एक 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 पैरा भी तू गाएगा तो भी चलेगा एक्चुअली मैं क्या करता हूँ मैं क्या बोलता हूँ कुछ बोली मैं डायरेक्ट गाना गाना चालू कर फोन उठा दे ये बेटर लग रहा है ये बेटर है तू लिरिक्स पढ़ डायरेक्ट गाना गा हाँ ये देख मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ लाउड इसका नंबर ब्लॉक होगा ठीक है बहुत स्वीट हो गया यार बहुत स्वीट होगा ये ले लिरिक्स ले मेरा नेटवर्क ही नहीं है इधर एक सेकंड रुक जा मेरे फोन से कह रहा आंटी हां करूंगा मैं करना ही इधर नेटवर्क नेटवर्क नहीं है एक सेकंड रुक जा आ रहा आ गया स्पीकर पे रखना लिरिक्स 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 हां स्पीकर पे रखना माइक के थोड़ा करीब रखना हेलो पप्पा ला फोन कर हां कर हां पहुंच लो मैं पप्पा ला फोन कर दो आणि अजून एक मैं कभी बदलाता नहीं पर अंदर से डरता हूँ मैं माँ यू तो मैं दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं नवा तुझे सब है पता मेरी माँ भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे घर लौट के भी आना पाऊँ माँ जब भी कभी पापा मुझे जो जो से जुला जुला तो बोल नहीं सकते हां काय ना असं ना 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 वास्तव एक लिहून दिले नाही का मनाने ना ना मनानेच बोलतोय हां हो फोन का नाही केला पण एक वाजला हां मी जस्ट म्हणजे पोहोचलो म्हणजे झाला तो
पोहोचलो म्हणजे अर्धा पाऊण तास झाला. मैं कभी बदला नहीं रे से डर काय काय परत बोल. तुला मी काय हॉस्टेलला सोडलं नाही म्हणजे ती हॉस्टेलला सोडल्यावर तो मुलगा गाणं बोलतो त्याच्या आईला. जो भी कभी पापा मुझे जो चोर से मुझे मैं एक गिद्ध नहीं पर मैं सेम ज्यादा हुआ. गाणं गाणं झालं चल नंतर फोन करतो नंतर फोन करतो बरं दाम ना ना तू स्पीक तू स्पीकर वर दे दाम. अरे थांब फोन करतो दाम थोडं वाटत बरं आहे कमल पण सगळे सायलेंट वरती ना फोन. इसकी आवाज सुन के मेरे गली के दो बच्चे मर गए भाई. इतनी गंदी आवाज है इसकी. चल कर दो थोड़ा नहीं फोन कर दो बाय. अब चालू है मैं चालू है. कैसे फटा तेरा. हाँ ठीक है बाय. हाँ हाँ बाय. वे बाय तालियां हो जाए तालियां हो जाए. थैंक यू थैंक यू तालियां हो जाए. कोई नहीं होता कोई नहीं बैठा बयान नहीं कर पा रहा मैं. बहुत स्वीट भी था. सही है सही है सही है. देख तू कॉल करके अच्छी चीज की है तो ऑप्शन मैंने तेरे को अच्छा चीज करने है. बुरी चीज करने का ऑप्शन मैं उसको इनडायरेक्टली दे रहा हूँ. ठीक है क्या भाई ये क्या मजाक है. ठीक मेरा शो माय रूल्स सो बेसिकली तेरे को अब तेरे जिगरी दोस्त गेमिंग कम्युनिटी को कॉल करना है और स्लॉट मांगना है कि मैं मेरे को तेरी टीम में स्लॉट चाहिए कैसे भी करके. सो दैट फ्रेंड ऑफ योर्स इज नन अदर देन भाविन भाविन कोटवानी. सो प्लीज कॉल भाविन कोटवानी एंड आस्क आई वांट टू जॉइन जी एनी हाउ. भीख मांगनी तेरे को बेसिकली. मेरा फोन दे रहा भाई चार्ज हो रहा है. देना जरा सर का फोन. तो बहुत बेइज्जती करवाएंगे भाई ये. भाई तुम गलत काम करा रहे हो मुझसे. ये सब चीजें गलत है. ये दिस इज रॉन्ग. एक्सप्लॉइट करो तुम लोग मुझे. एक्सप्लॉइट एक महीने बाद ऐसे भी फोन करने वाले हैं उसको. अभी सबके सामने रहेंगे. इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें फोन करना पड़े. किसको फोन करना कमल पाजी. तूने चार्ज ऑन नहीं किया था भाई. 12% अभी भी. चलो हो जाएगा. मैं बगर देगा लाउड स्पीकर करना. हाँ लाउड स्पीकर पे रोलिंग है ना. लिटरली भीख मांग लिया. मैं तेरे पैर पड़ता हूँ ये सब बोल रहा और बोलना ही पड़ेगा. मतलब मैं बेशर्म हूँ पर इतना भी नहीं भाई. बना रहे फोन में उठा प्लीज. प्लीज फोन में उठा. नहीं फोन नहीं उठा तो मैं कुछ और भी ऑप्शन दे दूंगा तेरे को. मैं प्रैक्टिस में है. वापस कॉल करो. मैं प्रैक्टिस में हूँ. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं. क्या करवा रहे हो भाई तुम सबसे यार. ये फोन ले लेते इसको. कॉल रिकॉर्डिंग. कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर देना. चालू होने दो दे पहले. हेलो स्किल्स बोल जवान. कैसा है मेरे भाई. हां कैसा है मेरे भाई. बढ़िया हूं भाई. मेरे सुनने में आया तू बॉम्बे आ रहा है. खुश है. हाँ मुझे प्लीज टीम में ले ले. हाँ क्या. मुझे प्लीज अपनी टीम में ले ले मेरे भाई. भाई तू ऐसे मजाक क्यों उड़ा रहा है. मैं सीरियस हूँ. बहुत सीरियस होकर तेरे को फोन कर रहा हूँ. मेरे को प्लीज अपनी टीम में ले ले. इसके लिए मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ भाई. मैं क्यों मजाक करूंगा. तू पागल पागल है क्या भाई. तू
मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ, तू फ्लाइट बोल रहा है, मैं कह रहा हूँ मेरे को अपनी टीम में ले ले भाई, भाविन से बात कर। अरे तू मजाक मत कर रहे, मैं नहीं कर रहा मजाक भाई, स्किल्स मेरे को मजाक, ये टाइम होता मजाक करने का, तू पागल है थोड़ा? नहीं यार, क्या क्या टीम में ले ले, मैं पांच लोग ऑलरेडी है क्या भाई, कर देना किसी को, तुम्हारी टीम में वीकनिंग है तो तुम्हें पता है। कोई नहीं है अभी वीक, तुझे नहीं लगता एक बंदा वीकनिंग है तुम्हारी टीम में? हां तुझे लगता है एक बंदा वीकनिंग है? क्यों बोल रहा है स्किल्स भाई, तू नहीं लेगा भाई के साथ नहीं खेलेगा वापस? भाई मैं तू क्या स्किल्स, मतलब एक बंदा अपने दोस्त से बात भी नहीं कर सकता, अपने दिल की बात शेयर नहीं कर सकता, मैं सीरियस होकर तेरे को बोल रहा हूँ, मुझे ले ले भाई अपनी टीम में, प्लीज ले ले। किधर है तू, बोल ना। अरे भाई मैं अपने घर पे बैठा हूँ भाई, मेरे पास टीम नहीं है आज की डेट में, ले ले भाई प्लीज। अरे चुप कर रे सुमर, क्या है यार सुबह सुबह बज रहा है मेरे को, बोल ना क्या सीन हुआ है भाई? बहुत बड़ा सीन हो गया है, सबराई पे भी नहीं हो पा रहा भाई, तो मेरे को टीम चाहिए भाई, प्लीज ले ले भाई, मेरा करियर खराब हो रहा है यार। सुमर इस साथ टच मत यार, बोल रहा है यार सुमर। हां अब बात पड़े यार, पड़े निकल इधर है तू, मैं बॉम्बे में, मैं बॉम्बे में। अच्छा अच्छा सुमर, फ्लाइट में वेब चेकिंग क्या होता है? ये डालो फ्लाइट में वेब चेक इन क्या होता है? गूगल पे जा, जो फ्लाइट बुक करी है वो फ्लाइट डाल, अगर फॉर एग्जांपल विस्तार, कौन सी फ्लाइट है, स्पाइस जेट की वेबसाइट खोल, वहां पे होगा वेब चेक इन, उस पर क्लिक कर, अपना पीएनआर डाल, और वहां पे तुझसे वो मतलब बेसिक चीज होगा, यस टेक नो 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 करता रहिए उस पर, जो गंदी चीज करना ही पड़ेगा, ये तो लिखा है। हाँ मैंडेटरी रहता है, उसमें क्वेश्चंस होंगे दो तीन कि तुम गांजा लेके आ रहे हो, तो उसको लिखेगा नो, यस तो लिखेगा नहीं, चूतिए चुपचाप से भोसड़ी के वो करवा, और एक कोविड टेस्ट लेके आइए सब बॉम्बे, ठीक है ना? उसको जरूरत नहीं है, क्यों बैंगलोर से आ रहा है? अच्छा बैंगलोर से जरूरत नहीं है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, तो बैंगलोर से आ रहे को जरूरत नहीं है, बस वेब चेक इन कर लो, मैंडेटरी है वो। सब पूछ लो, बोल उसको, एक काम कर, मैं तुम्हें कच्चे का रंग भी बता देता हूँ। अरे भाई मैं अभी हूँ बॉम्बे में, बहन चुप, तो झू पता किधर है, झू नहीं पता ना, उसको बोल ना वापस करता हूँ। अरे भाई मैं सिड़के जाता हूँ, उसको बोल वापस कॉल करता हूँ। खुश रह, चलो ध्यान रख भाई। मैं मिल गया तुम्हें, अब मोहम्मद चलो, अपने एंटी रोड का भी हो गया, इसका भी हो गया, इतना मजा नहीं आया, ठीक है इसका बहुत कट शॉर्ट करके डाल देंगे अपन, ठीक है मैंने हेल रेंजर लेना चाहिए था, फिर थोड़ा ज़्यादा मजा आता था। और एक चीज़ तुम लोग का जाना, तुम लोग की इतनी दोस्ती इतनी गहरी है, एंटिटी में लोग तीन साल से बूट कैंप पर है, प्लीज़ क्लियर दिस थिंग, तुम दोनों ने कभी एक दूसरे की अंडरवेयर शेयर करके पहनी है? नहीं लाइफ में नहीं भाई जी। सिमर ने मेरी पहनी है। कुछ भी तेरी मैंने आज तक, क्यों मतलब टी शर्ट तक ठीक है, अंडरवेयर वगैरह नहीं, वैसा नहीं। सिमर ने पहनी है मेरी, कभी लाइफ में नहीं पहनी भाई तेरी मैंने, तेरा साइज तक फिट नहीं आता। सिमर के पास एक अभी भी है मेरी रेड कलर की, ये तो जो लास्ट दिल्ली में गए थे तभी तुम लोग को बता रहे थे, ये सिल्क डैम इंटरेस्ट का टाइम, तुझे बड़ा पता है? इसने बताया था तुझे, बड़ा पता है? इसने बताया, कुछ नहीं पहनी मैंने, सिर्फ कपड़े शेयर करते हैं बस, दैट्स इट, मतलब वो करते थे मतलब, हां कपड़े तो हमारा टी शर्ट वी-शर्ट, अंडरवेयर कभी नहीं गए, पागल है? आर यू श्योर? क्यों आर यू श्योर क्या भाई, कितनी डिसगस्टिंग चीज है वो, क्यों भाई डिस्गस्टिंग, क्या धोखे उसका सामान, उसमें मेरा सामान उसी में जा रहा है, गलत है ये, प्रोटेक्शन की बात होती है, मेरे शेवर से नीचे शेव करता तभी डिस्गस्टिंग नहीं लगता था उसको, कच्चा शेयर करने में डिस्गस्टिंग लग गया तेरे को, जनता तुम ही बता देना किस पे भरोसा है, मेरे पे उस पे, मेरा पहना है वो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, लाइफ पे नहीं पहना, मेरा पहना है भाई, सर भाई मैं आगे लेके भाई, मैं मान रहा हूं इसकी बात, तू तो सब मानेगा, चले गए चले गए, तो इतने क्वेश्चंस थे वैसे, बस हाँ बस चलने करने वाली, क्या हुआ चलने करने वाली, मैं तुम्हारी इतना तारीफ करूंगा फिर कल से मेरा शो ही बंद हो जाए, ऐसा मैं चाहूंगा नहीं, नौबत आए। सो एनीवेज गाइस, एक और एक सरप्राइज हम लोग के लिए प्लान किया हुआ था मैंने, जो अभी तुम तीनों को नहीं पता, तू दिल्ली से आया, तू दूसरे प्लैनेट से आया, तू तो यहीं से आया नजदीक से, तो ओ सॉरी, तो मैं सोचा कि आज तुम लोग बहुत टाइम बाद एक साथ मिले हो, ट्रायो जो तुम लोग का काफ़ी फेमस है, सो ऑन बिहाफ ऑफ टॉक ई स्पोर्ट्स, द लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू डू फॉर यू गाइज इज आई वॉन्ट यू गाइज टू हैव डिनर टुगेदर, दैट विल बी ऑन टॉक ई स्पोर्ट्स, अब जहाँ पे भी जाओगे आज रात को, आई एम प्रिटी श्योर आज रात को आप
घर तो नहीं जाओगे इतना जल्दी. सो आई जेन्युइनली वांट यू थ्री टू हैव डिनर टुनाइट. मोस्टली ऑर्गेनिक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक पीने जाएंगे. एंड द एंटायर फूड एक्सपेंस विल बी टेकन केयर बाय टॉकी स्पोर्ट्स. पेटीएम मांगेगा बाद में. जगह हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं. हां जगह तुम Zomato पे. Zomato पे ताजबाग बैठो. चलो भाई टॉकी स्पोर्ट्स जिंदाबाद. चलो भाई बेस्ट बेस्ट. थोड़ा ज्यादा नहीं बोल दिया प्लस हाई टू लो. थोड़ा ज्यादा बोल दिया. प्रणव क्या हालत. प्रणव का जॉर्डन उतर गया. मुझे क्या बोल रहे हो भाई. मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ था. मेरे को कुछ नहीं मिला. मैं हूं ही नहीं. आई डोंट बिलीव इन एप्पल. फोन पे एक दिन ब्लॉग वाला. ठीक है. एनीवेज गाइस इतना ही था. शो एंड करते. सो बिफोर we end the show, please shout out de do hum log ke channel. भाई huge shout out to Talkie Sport. दिल से बोल रहा हूँ. बहुत प्यारी हॉस्पिटैलिटी. गलत बोल दिया बट हॉस्पिटैलिटी थी बहुत प्यारी. चोक हो गया था. बहुत प्यारा था भाई. मज़ा आ गया Talkie Sport के साथ. मैं नॉर्मली इतनी तारीफ किसी की करता नहीं बट कमल अपना भाई जैसा है. प्रणव नलबड़े एंड इन्होंने जो स्पेशली सरप्राइज दिया सर का. प्रणव क्या. प्रणव नलबड़े बोलता है ना भाई. यही मैं दिल्ली वाले ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं. नलबड़े बोलता है. नलबड़े. नलबड़े. नलबड़े भाई. ये चौपड़ कर रहा है यार. यू शॉट आउट टू टॉकी स्पोर्ट दिल से भाई. थैंक्स अ लॉट टू कमल पाजी एंड प्रणव एंड पूरी टीम टॉकी स्पोर्ट की मेरे को इनवाइट करने के लिए इधर. मेरा ध्यान रखने के लिए. बाद में मैं इनसे पैसे ले लूँगा. कोई दिक्कत की बात नहीं है. बट इनको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना. और कमेंट सेक्शन स्पैम हो जाना चाहिए जनता. और बताओ कि तुम्हें कैसा लगा इंटरव्यू. क्योंकि मुझे पता कि बहुत एक नंबर और सेक्सी था. गाली दे नहीं सकता. नहीं दे सकता ना मैं गाली. क्योंकि इंटरव्यू बहुत एक नंबर और गांड फाड़ता. तो कमेंट सेक्शन में लिख देना. बताना भाई तुम्हें कैसा लगा. अगर तुम्हें पसंद आया तो हमें प्रणव वापस बुलाएगा और हम वापस. और एनीवेज नेक्स्ट एपिसोड में आपको कौन गेस्ट चाहिए रहेंगे वो भी प्लीज कमेंट सेक्शन से बता देना. सो विद दैट यू नो पैक अप.